बहुत तो स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स आर्ट में। मेरा नाम है शुभेंदु पांडे। पाकिस्तान को लेकर लगातार खबरें वायरल होती रहती हैं और लगातार खबरें हकीकत में भी बदलती रहती हैं, लेकिन हाल ही में जो बयान चल रहे थे एशिया कप की मेजबानी को लेकर, उसी बीच एक दिग्गज खिलाड़ी का ऐसा बयान सामने आता है कि जो पाकिस्तान के फैंस को बिल्कुल भी ये खबर पसंद नहीं आएगी। दरअसल हुआ क्या है, पूरा माजरा आपको तसल्ली से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। दरअसल कुछ दिन पहले की बात ले जाते हैं आपको, कुछ दिन पहले की जो खबर आई थी जब दिग्गज कमेंटेटर साइमन डूल ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी जो हैं उनसे सोशल मीडिया पर लड़ाई भी उन्होंने कर ली थी और लगातार जो फैंस हैं पाकिस्तानी वो साइमन डूल को लेकर लगातार निशाना बना रहे थे। लेकिन अब जो बयान सामने आया है साइमन डूल का, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को और फिर पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको परेशान कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान के एक चैनल से बात करते हुए साइमन डूल ने जो खुलासा किया वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहना जेल में रहने जैसा है, मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी क्योंकि बाबर आजम के जो फैंस हैं वो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। शायद ये उस बयान को कोट करते हुए कह रहे थे, मुझे पाकिस्तान में कई दिनों तक बगैर कुछ खाए रहना पड़ा था, मैं दिमागी तौर पर काफ़ी परेशान हो गया था, मगर भगवान का शुक्र है कि मैं किसी तरह पाकिस्तान से निकल पाया। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि भाई मैं जब पाकिस्तान में रहता था वो कहीं ना कहीं मेरे लिहाज से दिमागी टॉर्चर जैसा था। तो ये बयान उस समय आया है जब न्यूजीलैंड की जो टीम है पाकिस्तान के टूर पर गई हुई है, जहां उसको खेलने हैं 5 T20 मुकाबले और फिर 5 ODI मुकाबले। ऐसे में ये बयान आना, साइमन डूल जो लगातार कमेंट्री की अगर बात कर ली जाए खुलकर अपने बयान सामने रखते हैं, चाहे वो विराट कोहली पर सवाल उठाना हो या फिर बाबर आजम पर सवाल उठाना हो, वो बिल्कुल भी नहीं हिचकते। इसीलिए कुछ फैंस उनको पसंद भी करते हैं और कुछ फैंस इस तरीके के भी होते हैं जो उनको घर से बाहर निकलने पर भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा कर देते हैं। तो ये बयान है साइमन डूल का। बाकी उनके इस बयान से देखते हैं कि आगे का रिएक्शन किस तरीके के आते हैं, उसको लेकर लगातार आपको अपडेट भी देते रहेंगे। लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं आने वाली जो सीरीज़ है उसकी जो माहौल है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा गर्मा गर्मी वाला कर देगा। तो फाइनली अपडेट यही था। बाकी स्पोर्ट्स जगत की सारी खबरें आपको स्पोर्ट्स आर पर लगातार मिलती रही है। बाकी हमारी कोशिश यही है कि आपको सबसे तेज अपडेट देने की और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हमारे जो बाकी के प्लेटफॉर्म हो गए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो ट्विटर हो गया, चाहे वो फेसबुक हो गया, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो पहले जुड़ जाइए और हमारे जो शोज़ हैं IPL के उसको भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।